आज हम जिस रहस्य के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो बड़ा ही दुर्लभ और गुण रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण जी की शादी के बारे में तो आपने सुना होगा, राधा रानी जी के साथ में भांडीर वन में हुई थी, लेकिन आज हम आपको ऐसे सबूत दिखाने जा रहे हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी की शादी इस ब्रज क्षेत्र में ही 5 स्थानों पर हुई है। कौन कौन से वो स्थान हैं और कहां कहां पर हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने वाली है। ये आप देखेंगे, ये है रसीली ब्रज यात्रा। इसी रसीली ब्रज यात्रा में भगवान श्री कृष्ण जी के 5 स्थानों के विवाह का वर्णन है। और सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे एक आज ऐसे स्थान पर जहां पर एक ऐसी लीला हुई थी, क्योंकि हमारे पास कमेंट बहुत आए हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की वो लीला है ये, जब भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ इस ब्रज में आके लीलाएं करते हैं। और उसी लीला में प्रदीप मिश्रा जी के जो बयान था उस पर जावट गांव में राधा रानी और आयन घोष का विवाह हुआ था। जब ब्रह्मा जी सभी ग्वाल वालों को और बछड़ाओं को गैयाओं को लेके चले गए और कैसे फिर श्री कृष्ण जी ने उन्हें वापस लाया उसकी संपूर्ण जानकारी तो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो सबसे पहले हम आपको बचपन धाम लेके चलेंगे जहाँ पर ये लीला हुई है। उसके बाद में हम आपको लेके चलेंगे उस स्थान पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का ब्रह्मा जी ने गंधर्व विवाह करवाया था, और वो स्थान है भांडीर वन। उस भांडीर वन के भी आप संपूर्ण दर्शन करेंगे। फिर हम आपको लेके चलेंगे संकेत भट, बरसाना, नंदगांव, जिन जिन स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण जी की विवाह मंडप और वहाँ के जो सबूत हैं वो मिलते हैं, उन स्थानों पर आपको लेके चलेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें जिससे हम आपको संपूर्ण जानकारी दे सकें, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन आज आपको वो रहस्य के बारे में बताने जा रहा है जो गुण रहस्य है। बड़े ही सौभाग्यशाली व्यक्ति इन रहस्यों को जान पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ये जानकारियाँ दूसरे लोगों के पास पहुँच जाती हैं और बाद में आप कहते हैं कि ये वीडियो तो हमने देखा ही नहीं। संपूर्ण ब्रज दर्शन ब्रज के 600 दर्शन करा चुका है, 600 वीडियो हमारे ब्रज दर्शन के पड़े हुए हैं। संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा में जितने भी मंदिर पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमने दिखाए हैं, और अब हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हम संपूर्ण ब्रज मंडल की परिक्रमा करने जा रहे हैं, और ये संपूर्ण ब्रज मंडल की परिक्रमा बहुत बड़ी परिक्रमा है जिसमें 84 कोस भी आ जाता है। उस संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा में जितने मंदिर पढ़ते हैं उससे अधिक दर्शन उस यात्रा में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ब्रजमंडल की परिक्रमा है जो यात्रा लगभग 1000 किलोमीटर की पड़ेगी। तो आपको उसके एक एक वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, और उस यात्रा की शुरुआत हम करेंगे बटेश्वर से, भगवान श्री कृष्ण जी के पैतृक गांव से। भगवान श्री कृष्ण जी का पैतृक गांव बटेश्वर है, जहां पर 101 शिव जी के मंदिर हैं। वहां उस स्थान को ब्रज की काशी भी कहा जाता है, उसी स्थान से हम प्रारंभ करेंगे। और आज ब्रज 84 कोस यात्रा के पड़ाव में भांडीर वन, बेल वन, मानसरोवर और श्याम वन के दर्शन में प्रमुख दर्शन स्थलों का जो श्रद्धालु हैं वैष्णव भक्तों ने आनंद लिया है। इस वक्त आप भांडीर वन में खड़े हैं, और ये भांडीर वन का मांग विहारी मंदिर है। भांडीर वन विहारी मंदिर है, यहाँ भगवान का जो विग्रह है राधा रानी की मांग भरते हुए विग्रह है। आप अन्यत्र ब्रज के दर्शनों में दर्शनीय स्थलों में भगवान का जो विग्रह का दर्शन करोगे वो वेणु का करोगे, लेकिन इधर भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी आचार्य पिता तुल्य स्थान ग्रहण कर राधा रानी का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सौंपते हैं। जब भगवान का विवाह ब्रह्मा जी करा रहे तो नारद मुनि एक झाड़ की ओर से देख रहे, लेकिन आ नहीं रहे। अब ब्रह्मा जी चतुष्मुखी हैं, एक मुका दिशा चला गया नारद बाबा की ओर। नारद बाबा को बुला लिया कि बाबा आप आ जाइए और भगवान के विवाह के साक्षी बनिए। नारद मुनि आते हैं, राधा रानी का कन्यादान लेते हैं और राधा रानी के भाई का कार्य करते हैं, राधा रानी के भाई का कार्य करते हैं। तो शास्त्र पुराणोचित भांडीर वन में भगवान राधा और कृष्ण के विवाह का सुंदर वर्णन मिलता है। इसका पूरा वृत्तांत ब्रह्म वैवर्त पुराण जो 4 खंड में है, ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 13 में भगवान का भांडीर वन में विवाह की सारी लीलाओं का वर्णन मिलता है।
इसके अलावा गर्ग संहिता जो 10 खंडी है, 10 खंडों में जो प्रथम खंड गोलोक है उसका अध्याय 16वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह का भांडीरवन में साक्षात वर्णन करता है। दूसरी लीला बेड़ूकूप, जो भगवान श्री कृष्ण ने वच्छासुर दैत्य को मार करके उसकी एवज में सारे तीर्थों को यहाँ आह्वान्वित करके प्रकट किया है, तो यहाँ बेड़ूकूप का भी दर्शन है। सारे सखा गोप ग्वाल बोले भगवान से आप गौहत्या के दोषी हो गए। जो कंस का चचेरा भाई बच्छासुर दैत्य है वो गाय के बछड़े का रूप धारण करके जब भगवान गाय चरा रहे तो उनमें मिल गया, भगवान की गायों को ग्वालों को बछड़ों को मारने लगा, भगवान ने पहचाना उद्धार कर दिया। तो इस तरीके से उनके साथ जो सखा लोग थे बोले आप गौहत्या के दोषी हो गए, भगवान बोले मैंने असुर का उद्धार किया लेकिन गोप ग्वाल मानने को तैयार नहीं है। भगवान को नाना प्रकार का तर्क देने लगे, कन्हैया आप विभिन्न धार्मिक स्थलों में जाओ स्नान करके आओ। भगवान ने कहा सारे देवतागणों को मैं यही भांडीरवन में आह्वान्वित किए लेता हूँ। भगवान ने कट प्रदेश से वेणु निकाली, भूमि को स्पर्श किया, सुंदर कूप बन गया, भगवान उसमें विराजमान हो गए। सारे देवतागणों को भगवान ने आह्वान्वित किया, सारे देवतागण सुंदर कलशों में जल ला करके भगवान को सिर से स्नान कराते हैं, इससे उनका गौहत्या का दोष पाप दूर होता है। तत्पश्चात गोपी ग्वाल ब्रजवासियों को भगवान भंडारा देते हैं, भंडारे से ये प्लेस भांडीरवन हो जाता है। भगवान कृष्ण के स्नान उपरांत जो जल गया उससे गोपी ग्वाल ब्रजवासियों ने स्नान किया, तो बेड़ूकूप के बाजू में 2 छोटे हौद कुंड बने हैं। इन कुंडों पर कूप पर स्नान करने वाले साधु संत ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण भक्तों का जल एकत्रित होता है। जो माता बहनें निसंतान हैं या जिन पर केवल पुत्री फल है स्नान उपरांत पुत्र फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं यहाँ की, पलम्बासुर उद्धार लीला, दावाग निपान लीला, दुर्वासा मुनि विग्रह लीला, भोजन कौतुक क्रीड़ा लीला, ब्रजांगनाओं के साथ मल्ल क्रीड़ा लीला, ब्रह्मा जी द्वारा गोप गौ के अंतर ध्यान लीला, इसके अलावा देवी वृंदा शंख चूर्ण को जो 100 हरण लीला का, जो भगवान का परम प्रिय सखा सुदामा है उसको 100 हरण का ज्ञान भगवान ने भांडीरवन में उस उत्तम ज्ञान को बतलाया। भांडीरवन का कथाओं में और शास्त्र पुराणों में यहाँ तक वर्णन है कि भांडीरवन बिहारी का दर्शन करने से, बेड़ूकूप का आचमन करने से व्यक्ति मृत्यु के भक्त, मृत्यु के शोक से भी निर्भय हो जाता है। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है, पूरे ब्रज में आपने दर्शन किए होंगे, तो कहीं बंसी मिलेगी ठाकुर जी के हाथ में और कहीं लड्डू मिलेगा, लेकिन आज आप हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं तो चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं कन्हैया जी। पूरे ब्रज में क्या, पूरे विश्व में अकेला मंदिर है जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है। ऐसा था, राधा रानी बड़ी थी, कन्हैया छोटे थे, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बना लिया था, तब ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है। पिता का और पुरोहित का कर्म ब्रह्मा जी ने किया है, कन्यादान भी ब्रह्मा जी ने किया है, पुरोहित कर्म ब्रह्मा जी ने किया है। उस स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ पर फुलेरा द्वीज के दिन यहाँ पर बड़ा ही उत्सव मनाया जाएगा, और ऐसा उत्सव मनाया जाएगा जिस तरीके से विवाह होते हैं ऐसे ही राधा और कृष्ण जी का विवाह होगा। और यहाँ पर किस तरीके से विवाह की तैयारियाँ होती हैं, क्या क्या यहाँ की महिमा है, यहाँ के सेवायत जी से जानते हैं, क्योंकि हम अभी उस स्थान पर बैठे हूँ जहाँ पर ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। राधे राधे। जी हम यहाँ के सेवायत हैं विष्णु के। जी राधे राधे, मैं विष्णु सेवायत भांडीरवन, ठाकुर जी के असीम कृपा से यहाँ भांडीर भट्ट के सेवायत हैं हम। ये आप आए हो यहाँ भांडीरवन है, यहाँ पर राधा और कृष्ण की शादी हुई है, वो स्थान है ये। ये वटवृक्ष है, उसी समय का है जब राधा और कृष्ण की शादी हुई थी, उसी समय का वटवृक्ष है, 5,500 साल पुराना। इस वटवृक्ष का वर्णन जो भागवत जी मिलता है, ये कृष्ण कालीन में इतना विशाल था कि ये 15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था ये वटवृक्ष। यहीं पर यमुना जी बहती थी, भगवान श्री कृष्ण ग्वालवाली ब्रांचों पर चढ़ के यमुना जी को आर पार करते थे वट वृक्ष। तो जब यहाँ नंद बाबा गाय चराने के लिए आते थे तो नंद बाबा की नौला गाय सी वट वृक्ष नीचे बैठती थी, वो वट वृक्ष। तो एक बार कृष्ण भगवान जिद करने लग गए कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, तो 2.5 साल के कृष्ण भगवान को नंद बाबा गोदी में लेके आए थे। तो यहाँ पे गाय चरा रहे थे तो अचानक से मौसम खराब हो जाता, आंधी तूफान बरसात होने लग जाती, तो नंद बाबा डर जाते तो उसी वटवृक्ष की आड़ लेके यहाँ पे छुप जाते हैं और बोलते बचाओ प्रभु ये क्या हो गया, आज ही लाला को लाए हूँ, आज ही आंधी तूफान बरसात होने लग गई। तो एकदम पुंज प्रकार से मौसम को साफ करते हुए यहाँ पर राधा रानी प्रकट होती हैं। तो राधा रानी बोलती हैं बाबा लाला को मुझे दे दो। तो नंद बाबा बोलते हैं कैसे दे दूँ, कौन हो आप, कहाँ से आए हो? कि मैं तो बन सकी हूँ, यहाँ घूमती रहती हूँ, लाला रो रहा था, बचाव बचाव कर रही थी तब आई हूँ यहाँ पर। कि नंद बाल कौन हो आपको, आते मौसम को साफ किया, अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। तो राधा रानी किशोर अवस्था में 16 साल की राधा रानी प्रकट होती है। जैसे ही राधा रानी प्रकट हुई है तो नंद बाबा को ध्यान आ जाता है कि
कि जब गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया था तो तभी बता दिया था। ये कोई नॉर्मल बालक नहीं है, ये पूर्वम परमेश्वर बालक है। इनकी शादी आसक्ति श्री राधा रानी से भांडी वन में होनी है। वो जाना है तो राधा रानी को दे दिया कन्हैया को, और बोले सुधा मैया को अब जाना। जैसे ही राधा रानी को दिया कन्हैया को, तो कन्हैया ने अपना स्वरूप राधा रानी के बराबर में ले लिया। जैसे ही राधा रानी 16 साल की, तो कृष्ण भगवान भी 16 साल के हो गए। तो ब्रह्मा जी ने 68,000 बार तपस्या की थी पुष्कर में जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन के लिए, तो आपको समय आने पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का आह्वान किया है, यहाँ ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने अग्नि को इस वटवृक्ष को साक्षी मान के प्रिया पीतम का विवाह कराया। ये वो वटवृक्ष है। इसी पेड़ में जैसे शादी में मंडप बनाते हैं चार खम्भे गाड़ के, तो पेड़ में अपने आप ही नेचुरली मंडप बना हुआ है। और जैसे गांठ जोड़ते हैं, गठबंधन करते हैं, वो गठबंधन का भाग है। एक पेड़ कृष्ण स्वरूप है काला है, एक पेड़ राधा रानी स्वरूप है गोरा पेड़ है। यहाँ पे फ्लोरा दौज को 12 तारीख को यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। जैसे लड़का लड़की की शादी होती है, उसी हिसाब से ठाकुर जी की प्रिया प्रीतम जी की उसी धूमधाम से शादी का उत्सव मनाया जाएगा। जी यहाँ पे ये 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 11 से 3-4 बजे तक चलेगा। ये ब्रह्मा जी बैठे हुए बीच में, इधर कृष्ण और राधा जी है। यहाँ पे वरमाला करा के या कन्यादान किया है, एकमात्र यही दर्शन है। आप ब्रज में दर्शन करोगे तो कृष्ण भगवान बंसी के साथ खड़े मिलेंगे। यहाँ ब्रज भांडीर वन में जयमाला करा के या कन्यादान किया है, वो दर्शन है। जैसे शादी में मंडप बनाते हैं चार खम्भे गाड़ के, ये चार खम्भे का मंडप है। ये 1, 2, 3, 4, और जैसे गांठ जोड़ते हैं गठबंधन करते हैं लड़का लड़की गांठ जोड़ते हैं, तो ये गठबंधन है। ये दोनों पेड़ों का मिलन है राधा और कृष्ण का। ये कृष्ण स्वरूप है काला पेड़ है, ये राधा रानी स्वरूप है गोरा पेड़ है। सबसे पहले जब मिलन हुआ था राधा और कृष्ण का, इस वटवृक्ष के नीचे हुआ था। यहाँ पे जिस भाव से आप ठाकुर जी को मानते हो, उस हिसाब से यह दर्शन होते हैं। राधे और श्याम लिखा हुआ है, ये दर्शन है। छपन बिहारी जी के जो सेवायत हैं, उनसे आपको यहाँ की बहुत ही अद्भुत महिमा से अवगत कराते हैं, जानते हैं इस कलयुग में यहाँ पर आज भी चमत्कार कैसे होता है। यह है बचपन जब भगवान कृष्ण गौ बछड़े चलाते। आज भी कलयुग में हम अपने ठाकुर जी की छड़ी और बंसी नीचे उतार के रखते हैं, और जब सुबह प्रातः मंडला में 4 बजे मंदिर के पट कपाट खोलते हैं, तो छड़ी और बांसुरी हमको लगी मिलती है, और ठाकुर जी के पैरों में यहाँ रज मिलती है। और जब हम सैया धराते हैं, सैया भी हम एकदम साफ करके रखते हैं, और उनका जो सैया है वो भी हमको पैरों से धूल से भरा हुआ मिलता है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ साक्षात ग्वाल बालों के साथ छाट लीला करी है। तो छाट लीला कर रहे थे तो उनमें एक गरीब सखाओ मधुमंडल, उसके पास कोई साधन नहीं था। सब लोग ब्रजवासी अपने अपने जाते एक दिन के लिए सब लोग लाया करते थे। तो मधुमंडल की मैया किसी पड़ोसी के पास गई तो 3 दिना की ठट्टी छाछ और मधुमंडल को दे दिया। तो मधुमंडल को लेते आ रहा, क्या सोचा, अरे ये माठन मिश्री ठाने वाला है, ये 3 दिन की ठट्टी छाछी कड़ी कैसे पिएगा, इसे पिलाऊंगा तो भगवान का मन ठट्टा हो जाएगा। तो मधुमंडल स्वयं उसको ले जाते, स्वयं अपने आप स्वयं पी रहा है। कृष्ण उसको देख रहा है, अरे ये स्वयं पी रहा है, हमको पूछ भी नहीं रहा है। जब तक कृष्ण गया, जब तक उसने न्यूटा दिया, तब टप से चाह रहा है। तो मधुमंडल की उसके सेव को भगवान स्वयं शरीर चाट रहा है। इधर से ब्रह्मा जी आ रहे हैं ब्रह्मलोक से, बेवा लीला देखने लगे। ये कैसा ब्रह्म, ये कैसा नारायण, ये ग्वाल वालों का झूठा ही खा रहा है, झूठा ही चाट रहा है, जो कोई भगवान नहीं है, जो कोई साधारण मनुष्य है, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी जाते गौ बछड़े ग्वाल बाल चुरा के सबको ब्रह्मलोक में ले गया। ऐसी संध्या भाई जब देता, इधर ग्वाल बाल नहीं, इधर गौ बछड़े नहीं। तो जब कृष्ण ने जब ध्यान लगाया तो ये तो ब्रह्मा जी कौतूहल लीला है, ब्रह्मा ने अच्छा नहीं किया है। अगर ये गौ बछड़े ग्वाल बाल शाम को अपने घर नहीं जाएंगे तो इनके माता पिता प्राण तर देंगे। भगवान कृष्ण स्वयं वैसी गौ बछड़े ग्वाल बाल स्वयं बन गए, और वो लीला यहाँ चलती रही। जब ब्रह्मा जी कुछ दिन बाद फिर आया, एक साल बाद एक दिन का एक साल होता है नमस्कार, तो ब्रह्मा जी ने देखा तो वही छाट लीला यहाँ चल रही, गौ बछड़े बैठे हुए। तो ब्रह्मा जी एकदम चकित हो गए, अरे मैं तो यहाँ से गौ बछड़े ग्वाल बाल चुरा के ब्रह्मलोक को ले गया था, ये गौ बछड़े यहाँ कैसे आ गए। ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मलोक में गया, कहीं ऐसा नहीं मेरे पीछे आ गया हो। तो माँ भी देता तो माँ गौ बछड़े ग्वाल बाल सब माँ बैठे हुए थे। सो ब्रह्मा जी एकदम चकित रह गया,
अरे ये तो साक्षात नारायण है, मुझसे तो बड़ी गलती हो गई। तो ब्रह्मा जी न्याय, ब्रह्मा जी क्षमा याचना कर रहे, तो भगवान उसको क्षमा नहीं कर रहा है, बोल रहा है मैं तुझे क्षमा नहीं करूँगा। तो माने 11 श्लोक बोले, कृष्ण बोले 40 श्लोक बोले, ब्रह्मा जी मामू देख नहीं रहा कृष्ण। तो ब्रह्मा जी बोले महाराज इंद्र देवता ने 11 श्लोक बोले तुम जब ही खुश हो गए, और मैंने 40 श्लोक बोल दिए तुम जब भी खुश नहीं हो। बांधे इंद्र ने ऐसा नहीं किया था, इंद्र ने जब गौ बछड़े ग्वाल बाल चुराए थे, जब कोप किया था तो हम सब ग्वाल बाल गौ बछड़े सब इकट्ठे कर दिए थे। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनट विसार हो नंद बाबा की जान। अरे ब्रजवासी तो मेरे प्राण है और तो मैं माफ नहीं करूँगा। जा तू 84 कोस की पाठम मला गया, तो ब्रह्मा जी 84 कोस की पाठम देवे चले रहे। आप ब्रह्मा को रूप बनाए जो ब्रह्मलोक में जाए बैठे, और हम बातें कहते ही पैसा ए ये ढोनी ब्रह्मा आवे रो अंदर मत आने देना। हम बोले महाराज जी चिंता ही मत करो, जब ब्रह्मा जी 84 कोस की पाठम लड़ाए थे और जब ब्रह्मलोक में प्रवेश किया तो हमने मेरे उठे ए रुक कहाँ जाता है। अरे बनते दमा ठाव है क्या, भांड पी रखी है, मेरा ही राज मेरा ही पाठ मुझसे से कहते हो। अरे बांध तो जैसे ढोनी ब्रह्मा जी कितने आते हैं और कितने आए और कितने चले, हमारा ब्रह्मा तो अंदर बैठा हुआ है। जब ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लड़ाया जेठा ओ देश बाबू बैठो, तो बान हमसे विनती फिर करी भाई एक बार मुझे दर्शन करने की इच्छा है। बन नहीं बैठ, हम पूछते आम है महाराज जी वो ढोंगी ब्रह्मा आयो है और वो दर्शन जी कहता है। बोल आने दो। जब ब्रह्मा जी जब गए तो वह चतुर्भुज रूप दिख रहा है, जो सामरंटा चतुर्भुज है वो दर्शन का आयो है। जब बांटे प्रभु जो मैंने किया भू सही ये सही था बे सही, तो प्रभु कहने लगे जो मैंने किया भू सही इसलिए इस राम का नाम से ही पड़ा, वो राम का नाम बचपन या भगवान कृष्ण गौ बछड़े चराए और ब्रह्मा जी यहाँ से चुरा के ब्रह्मलोक को ले रहे। आज भी साक्षात कलयुग में भगवान स्वयं हम छड़ी और बंसी उतारते से सैन कराते हैं ठाकुर जी को, तो नीचे उतार देते हैं। और जब सुबह 4 बजे जब मंडला आती करते हैं तो ठाकुर जी साथ छड़ी और बंसी लगी मिलती है। ये नाटी लीला है। बोल बचपन में आरी लाल की जय। जय श्री राधे। ये बचपन पूरा 3 किलोमीटर में ये बचपन स्थान है। भागवत में 10वें स्कंद का 13वां 14वां और 15वां अध्याय यहाँ की लीला स्थली है। यहाँ अघासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण बचपन में आए। बाजू में बघहरा गांव है तो वहाँ पर बरहरा जिसको आज बोलते हैं वहाँ अघासुर का वध किया। वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण बचपन में आए। ये बचपन में बल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक है जो इस तरफ पड़ती है। बल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक है वहाँ ग्वाल चबूतरा है। अघासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ग्वाल चबूतरे पर बैठ करके छाक लीला कर रहे थे, मतलब झूठन प्रसन्न प्रसाद पा रहे थे मधुमंगल का, क्योंकि उनकी जो माता थी वो पूरणमासी पुरोहिताइनी थी, वो भगवान श्री कृष्ण के यहीं कार्यरत थी। कार्यरत होने के कारण वो कुछ सामग्री लेकर के नहीं आए, तो 3 दिन की खट्टी कढ़ी लेकर के आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मधुमंगल आज मैं तेरा ही प्रसाद ग्रहण करूँगा। मधुमंगल ने उस कढ़ी को छुपाना चाहा कि ये तो राजा का पुत्र है, मैं इसको कैसे दूंगा। तो उस कढ़ी के लिए लालायित भगवान श्री कृष्ण हो रहे हैं और सखा उस कढ़ी को मधुमंगल छुपा रहा है। इन्हीं लीलाओं को ब्रह्मा जी देख रहे हैं। उन्होंने पहले अघासुर वध देखा जो बल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक में एक समी का वृक्ष है, उसमें 4 मुख हैं और उसकी कोई जड़ें नहीं है। आज भी वो हरा भरा है और उसकी जड़ें नहीं है। जब हमने उसको टहल आदि लगाई थी उसमें तो उसको खोल करके देखा तो उसके अंदर जड़ें नहीं थी, केवल गोले मिले छोटे छोटे। तो आज भी वहाँ विद्यमान 4 मुख उसमें विराजमान हैं। ब्रह्मा जी उस लीला को देख रहे थे और आनंदित हो रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं। तो पहली जो लीला देखी वो अघासुर का जो वध देखा वो ऐश्वर्य लीला देखी। दूसरी लीला देख रहे हैं, तत्काल दूसरी लीला चालू हो गई है कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम विवल होकर के उस कढ़ी को के पीछे भारे मधुमंगल के पीछे भाग रहे हैं, उस कढ़ी को पाना चाहते हैं। मधुमंगल उस कढ़ी को छुपा रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने उस कढ़ी को छुड़ा रहे हैं, मधुमंगल अपने मुँह में उड़ेल रहा है। भगवान इतने भावों को इतने प्रेम रस में हो गए कि उस कड़ी को जीभ से चाट रहे हैं जो होठों से टपक रही है मधुमंगल के। जब वो होठों से टपक रही है और उसे चाट रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, इसी लीला को ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले रे ये कैसा
भगवान है, कैसा मेरा इष्ट है, मैं इसकी पूजा करने के लिए जाऊं, इन्होंने मुझे संसार का ज्ञात कराया है, क्योंकि ब्रह्मा तो स्वयं नार में, उन्हें खुद नहीं पहचान पाए अपने आप को कि मैं कहां से प्रकट हो गया, कभी जल के अंदर जाते थे, कभी ऊपर कमल पर अपने आप को प्राजते थे। तो जब तप शब्द उन्होंने सुना, तपस्या के बाद अपने आप को जाना कि मैं कहां से आया हूं और कैसे मुझे प्राप्त हुआ हूं, वो भगवान की लीला को अथवा कैसे जान सकते थे, कैसे पहचान सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को उच्च स्तर मान करके कि मैं ब्रह्मांड का रचयिता हूं, तो ये कौन सी ऐसी लीला हो रही है, ये क्या हो रहा है कि झूठन प्रसाद पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये भगवान नहीं हो सकते, ये कोई साधारण राक्षस है, जैसे पौंडरक है, पौंडरक भगवान विष्णु का अवतार बना लिया था काठ के चक्र सुदर्शन और झूठे के सारे अवतरण कारण कर लिए, तो स्वयं अहम विष्णु करके पूजने लगे। तो भगवान विष्णु ने जब उनसे मना किया कि भाई ये कार्य मत करो, लेकिन वो नहीं माने, तो पौंडरक का वध किया गया। आज वही हाल ब्रह्मा जी ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सब झूठे प्रसाद पा रहे हैं, तो उन्हें परीक्षा लेने की मन में आई, उन्होंने ये सामने यमुना जी हैं, आगे यहाँ से थोड़े कदम चल करके यमुना जी बराज रही हैं, तो यमुना जी पे से ही वहाँ से गाय बछड़ों को हरण किया है। जब भगवान श्री कृष्ण जब गाय बछड़ा देखने के लिए गए, तो यहाँ से ग्वाल वालों को हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। दसम स्कंद के 13वें और 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अकेले रह गए, उन्होंने देखा कि मेरे तो गाय और ग्वाल वालों को सबको चुरा लिया ब्रह्मा ने, तो उन्होंने अपने अर्ध शरीर में से वही ग्वाल और वही बछड़े बनाए, और ये लीला एक साल तक चलती रही। भागवत जी में इसका अनुरूपण मिलता है, चेतन चरता में मिलता है, बाल सुबोधनी जी में मिलता है। जब एक साल तक लीला चल रही थी, इस लीला को कोई भी नहीं जान पाया, केवल बलदाऊ को थोड़ी भनक हुई, क्योंकि प्रेम जो होता है ना, द्वैत में होता है, यहाँ आपस में गाय बछड़ों में प्रेम नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही बने हुए हैं, और ये बने हुए तीसरी लीला, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की सारी गोपियों की, ब्रजवासियों की मनोकामना को पूर्ण किया, क्योंकि सब कृष्ण बन गए, तो गोपियां चाहती थी कि भगवान कब यशोदा माँ का दूध पिएंगे, हमारा दूध कब पिएंगे, हमारा आलिंगन कब करेंगे, हम कब उन्हें छूने का अवसर मिलेगा। आज तो पूरा ब्रजमंडल ही भगवान श्री कृष्णमय हो गया है, तो वो सखा सब खा रहे हैं, तो केवल बलदाऊ को भनक लगी अंतिम समय में, तो बलदाऊ ने कहा कृष्ण पहले जैसा प्रेम नहीं है। बोले कृष्ण ने कहा कि बलदाऊ भैया चुप रहो, आप समझो प्रेम द्वैत में होता है, एकत में प्रेम नहीं होता है, मैं तो अपने आप में हूँ, जैसे अपनी आँख को नहीं देख सकती हैं, अपनी आँख को नहीं देख पाती, जैसे ही स्वयं अकेला अपने आप से व्यक्ति क्या प्रेम करेगा। एक वर्ष बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी यहाँ पुनः आए, देखा तो वही ग्वाल वाल बछड़े सब वही चल रहे हैं, ब्रह्मलोक के दौड़े तो वहाँ भी देखा कि वही ग्वाल वाल बछड़े सब वही हैं, तो वो भ्रमित हो गए, बोले ये क्या है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने चरण कमल पकड़ लिए और अश्रुओं की प्रवाह हुई, जो भागवत जी में 44 श्लोक बोले हैं, जैसे ब्रह्म स्तुति कहे जाते हैं। तो सामने जो है ब्रह्मकुंड है, इधर ब्रह्मकुंड बना हुआ है और काफी बड़ा ब्रह्मकुंड है, जो अभी कच्चा है और जीर्णोद्धार के लिए आवश्यकता भी है उसकी। तो उस ब्रह्मकुंड के आंसुओं की प्रवाह से वो ब्रह्मकुंड बन गया, लेकिन भगवान ने 44 श्लोकों में क्षमा नहीं किया। तो आज जो है ब्रह्मा ने दलीलें दी, बोले महाराज मेरी क्या गलती है, आपने जैसा मुझ में स्वर वचन क्रोध वाणी सारी चीज तो आपकी दी हुई है। इंद्र ने को जब गिरिराज पर्वत के समय गिरिराज ब्रजवासियों को डुबोना चाहा, तो केवल 11 श्लोक बोले, तो आधा श्लोक बोले एकदम समयवाग्रे बोले थे, बोले भगवान से जाओ क्या हो, मैंने क्षमा कर दिया। बोले क्यों, क्योंकि भगवान ने कहा कि तेरे में ब्रह्मा, तेरे कर्तव्य में और इंद्र के कर्तव्य में दोनों में अंतर है, क्योंकि इंद्र को भले ही ब्रज को डुबोने का काम किया, लेकिन सारे ब्रजवासियों को जो प्राण वल्लभ थे, जिनसे प्राण से स्नेह था, उन ब्रजवासियों को एक गिरिराज पर्वत के नीचे ला दिया और उनके भगवान श्री कृष्ण के साथ वो खड़े रहे 7 दिन तक। यहाँ तो ब्रह्मा तुमने एक वर्ष के लिए मुझे अलग कर दिया मेरे ब्रजवासियों से, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि ब्रजवासी वल्लभ सदा, ये मेरे प्राण इन्हें न बिसारिये मोहि नंद बाबा की आन, क्योंकि ये तो ब्रजवासी और वल्लभ तो ये मानो कि प्राण है भगवान के, और ये जब एक साल के लिए अलग हो गए तो भगवान से ये रहा नहीं गया और ब्रह्मा को क्षमा याचना नहीं किया गया, दंड दिया गया। बोले आप जाओ ब्रज 84 को उसके लिए जाओ, परिक्रमा करके आओ। तो ब्रह्मा तो यूँ गए एक मिनट में और आ गए, बोले ऐसे नहीं, ब्रज 84 कितने श्लोक बोले हैं, बोले 44 श्लोक बोले। तो आप कभी ब्रज 84 कोट का चार्ट देखोगे, जो परिक्रमाएं चलती है, नीली परिक्रमा जिन्हें कहा जाता है, वो 44 से 50 दिन की होती है, क्योंकि 6 श्लोक संबोधन का रखे हैं। तो आज वही ब्रज 84 कोस परिक्रमा का नज़ारा इस यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आज वही ब्रज 84 कोस जो ब्रह्मा जी ने पूर्व में दी थी, आज उसी को देख रहे हैं। और जब 84 कोस की परिक्रमा उन्होंने की, दंडवत किया, प्रणाम किया और उन्हें जब क्षमा याचना दी और यही कहा कि 2 मिले 64 खिले 20 कर जोड़,
और प्रेमी से प्रेमी मिले पुलकत 7 करोड़, या प्रेमी प्रेमी से मिलता है तो एक एक रोम खिल जाता है। 64 जो हमारे 32-32 दो व्यक्तियों के दांत होते हैं वो खिलखिला जाते हैं। तो आज ब्रजवासियों का पूरा ब्रह्मांड खिलखिला रहा है और आनंदित हो रहा है। तो ये वही स्थान है, यहाँ बचपन यहाँ पर दर्शन है। राधा कृष्ण बचपन बिहारी, ग्वाल चबूतरा, ब्रह्मकुंड, ब्रह्म बावड़ी, यहाँ ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान जो दिया ब्रह्म बावड़ी, और बल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक, गोसाई जी की बैठक, ये काफ़ी तीर्थ स्थलों में इसका शुमार है। और इसको 24 वनों में एक वन भी कहा गया है जो बछवन नाम से है, जो आज बछवन नाम की परिक्रमा में आज यूट्यूब के माध्यम से आपको दर्शन करा रहे हैं और दिखा रहे हैं। यहाँ का अद्भुत दृश्य है और यहाँ तो ब्रह्मा भी आश्रित और चकित हो गए कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ का तो जितना वर्णन किया जाए उतना कम है, मैंने तो आपको संक्षिप्त में केवल बताया है और बहुत फास्ट जल्दी जल्दी आपको मैंने बता दिया है यहाँ की लीलाओं का, क्योंकि समय की उपलब्धता कम होती है इसलिए मैंने आपको संक्षिप्त शब्दों में कहा है। बोल बचपन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा ब्रह्माणी से पार्वती नीचे मोहिनी स्वरूप तमाम देवता स्तुति कर रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म गले बैजंती माला अलौकिक निधि स्वरूप स्वयं प्रकट स्वरूप है। हजारों साल से यहाँ इनकी सेवा है और जो ये वो स्वरूप हैं जो ब्रह्मा जी भ्रमित हुए थे कि ब्रज में बड़ा उत्साह है, सारे देवतागढ़ ब्रज में पधारे हुए हैं, मंगल गान कर रहे हैं, मैं भी देख के आऊँ कि कौन सा देवता ऐसा ब्रज में आया हो। तो वो ये देखने के लिए ब्रज में पधारे। यहाँ आए तो ठाकुर जी अपनी ग्वाल मंडली के साथ में छाकर रोक रहे हैं कि ये कैसा ठाकुर है कि एक दूसरे से छीना झपटी करके और सबसे खा रहे हैं। परीक्षा सु ग्वाल वालों को ले गया चोरी करके और गुफा में छुपा दिए। जब ग्वाल वाल चले जाएंगे तो माए परेशान रहेंगी, गाय परेशान रहेंगी। ठाकुर जी समझ गए कि ये ब्रह्मा की करामात है, उसनी की करतूत है, स्वयं सु घर घर ग्वाल वाल बन के रहे। 6 महीने पीछे ब्रह्मा जी आएगी, अब तो ब्रज में बड़ो हाहाकार है, रो होगो देखूं जाए कि नहीं है कि ब्रज में का है। अब देखो पहले जैसे ही उत्साह वही खुशी, दौड़े दौड़े फिर ब्रह्मा जी वहां पहुंचेगी कहीं ऐसा तो ना आ गए हो, तो वो माया में वहां सोए हुए ग्वाल वाल। यहाँ सही कि वो सही, सही सु गांव का नाम हो गया सही। ये स्थान आपका वचवन गाँव का नाम है सही, जो स्थान ये आता है आपका गाँव के अंदर आता है चतुर्नाथ का मंदिर। ब्रज रज में कड़ कड़ में चतुर स्वरूप ब्रह्मा में हूँ, विष्णु में हूँ, महेश में हूँ, जो दर्शन उनको ब्रह्मा जी को दिए ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रज रज के कड़ कड़ में चतुर स्वरूप नजर आए। आप श्री की आज्ञा से पहली परिक्रमा, बोले मेरा ये अपराध कैसे क्षमा हो, डंडी के माफे ब्रह्मा जी इनके चरणबंध में पड़े कि ये प्रभु मैंने बड़ा अपराध करो, ये मेरा अपराध कैसे क्षमा हो। आप श्री की आज्ञा से पहली परिक्रमा ब्रज की ब्रह्मा जी ने किया। जब ब्रह्मा जी परिक्रमा करके आए तो फिर ठाकुर जी अपने बैठे ग्वाल मंडली के साथ में छा कर उग रहे, बोले आज तो कछु ठाकुर जी को मोह प्रसाद मिल जाए। ब्रह्मा जी मछली को अवतार लेके जमुना जी में आए गए। ठाकुर जी समझ गए कि ब्रह्मा जल में आए गए, पटका से हाथ पहुंच लिए, ना खुद गए ना ब्रज ग्वालन ने जाने दियो। बोल चतुर्नाथ की जय, द्वारिका अधीश की जय। ये राधे राधे राधे, ये जो चतुर्भुज जी हैं ये बहुत, ये ब्रह्मा जी ये ब्रह्म यहाँ ब्रह्मकुंड पर, ये यहाँ इनकी जो जमीन में जो निकले थे, जहाँ एक गाय यहाँ से जाती थी इनके ऊपर, मतलब गाय को ही पूरा पी जाते थे। जब गाय को जब पी जाते थे तो ये हुआ कि हमारी गाय को कौन पी रहा है, तो गाय को जब पी लोगों ने पता किया तो वहाँ लोग उनकी गाय को पता वहाँ देखा तो गाय को साक्षात वहाँ पीते हुए, तब इनको सपना दिया तो ये अपना वहाँ इसको खुदवाए तो बहुत गहरे में ये निकले। तो वहाँ ये वैसे वहाँ रहते थे पहले, ये क्या नाम है ठेर है वहाँ, तो ठेर पर इनसे वहाँ से फिर इनको चोर ले गए, चोर ले गए तो जमुना जी में, फिर ये मुरलीधर गोसाई जी इनको यहाँ यहाँ। जब भगवान जो आगे मैंने पहले कथा में आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया था, ब्रह्मा का सारी लीलाओं का अनुवरण करने के बाद 44 श्लोक बोलने के बाद सारी क्रिया होने के बाद ब्रह्मा के मति में भ्रम फिर भी रहा, भ्रम नहीं निकला। उन्होंने कहा कि प्रभु
मेरा जो भ्रम है ब्रजवासी को उसकी परिक्रमा कराए सब कुछ कर लिया फिर भी मेरा भ्रम नहीं निकल रहा है ऐसा क्यों? क्या तुमसे एक वर्ष के लिए ग्वाल वाल बछड़े अलग हो गए? आप तो हर जगह व्याप्त हो हर जगह लिप्त हो ऐसे कैसे? बोले देख ब्रह्मा तेरा भ्रम दूर नहीं हो रहा है इसलिए मैं आपको विराट रूप का दर्शन कराता हूँ। जो यही विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराया जिसके कुरुक्षेत्र के मैदान में, यही माता यशोदा को विराट रूप का दर्शन कराया जिस समय मिट्टी खाई तो पूरा विश्व दिखा दिया, तो यही जो विराट रूप है ये पूर्व में वहीं विराजित थे, महाप्रभु जी की बैठक जी पर विराजमान थे, समय प्रतीत होने के बाद ये यहाँ आ गए और उन्होंने यही वो विराट स्वरूप है जिन्होंने ब्रह्मा जी को अनुमोदन कराया और ब्रह्मा जी को दिखाया कि देख ब्रह्मा सारा विश्व सृष्टि मेरे अंदर विराजित है। तो ये आज भी इसके हृदय में पूरे शरीर पर वक्ष स्थल पर पूरे शरीर में पूरे ग्वाल वाल और ब्रज की सारी लीलाएं अवलंकृत छिपी हुई हैं। ये वही चतुर्भुज नारायण हैं जो ब्रह्मा जी को विराट रूप का दर्शन कराया है, तीन ही जगह विराट रूप का दर्शन कराया अर्जुन को यशोदा को और ब्रह्मा को, तो ये वही ब्रह्मा वाले स्वरूप है जो विराट रूप का दर्शन कराया है। तो जैसा आपने यहाँ पर चतुर्भुज नारायण जी के दर्शन किए ये वही चतुर्भुज नारायण है जिन्होंने श्री कृष्ण जी ने अपनी माँ यशोदा को दर्शन कराए थे और एक बार ब्रह्मा जी को दर्शन कराए और एक बार अर्जुन को दर्शन कराए थे। तो ये चतुर्भुज नारायण यहाँ पर संपूर्ण सृष्टि के दर्शन एक ही इस प्रतिमा के अंदर आप देख सकते हैं जो बहुत ही प्राचीन और अद्भुत है। यहीं पर आपको संपूर्ण दर्शन होते हैं यहाँ और जानते हैं चतुर्भुज नारायण जी के बारे में किस तरीके के दर्शन हैं। जय श्री कृष्ण। जो कृष्ण जी बचपन में गाय चराने जाते थे तो अपनी ग्वाल मंडलियों को साथ में छा कर रो रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने आके देखा कि ये कैसे ब्रह्म है, ये एक दूसरे का ग्वाल वालों का झूठा। साथियों आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप हमारे इस संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अब हम कराने के लिए जा रहे हैं संपूर्ण ब्रज मंडल की परिक्रमा और ये संपूर्ण ब्रज मंडल की परिक्रमा बहुत बड़ी परिक्रमा है, लगभग 750 से 800 किलोमीटर के आसपास की ये परिक्रमा होगी और बहुत बड़े एरिया में ये परिक्रमा लगती है जिसमें संपूर्ण 84 कोस की परिक्रमा भी सम्मिलित हो जाती है। तो उस परिक्रमा को करने के लिए हम चलेंगे और आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ये तीनों कार्य बिल्कुल निःशुल्क हैं और आप इसका लाभ लेकर दूसरे लोगों को भी पहुँचाएँ। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।